नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी टीवी 20 न्यूज के प्रिय दर्शकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की व और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर संतोष कुमार मधेसिया के नेतृत्व में विश्व स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, जो आजमगढ़ व अम्बेडकर नगर की विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए वैश्य समाज को जागृत किया गया। स्वाभिमान यात्रा नेवादा स्थित सिप्रा मैरिज हॉल से प्रारंभ होकर बांदीपुर, मुंडेरा, आदिलपुर, बड़िया, रफीगंज होते हुए सिमरा अंबेडकर नगर में जाकर समाप्त हुआ। स्वाभिमान यात्रा के दौरान वैश्य एकता जिंदाबाद, जय व्यापारी जय व्यापार तथा भामाशाह के नारे लगाई जा रही थी। वैश्य स्वाभिमान यात्रा की आयोजक संतोष कुमार मधेसिया ने कहा कि आज वैसे समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ होने के बावजूद भी वैश्य समाज की तमाम ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निदान आज तक नहीं हो सका। किशोचा के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। समय समय पर देश के लिए अपने बलिदान दिया है। कोरोना काल में जब देश संकट में थी, वैश्य समाज ने आगे आकर मदद किया। आतरौलिया नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल ने कहा कि वैसे समाज को संगठित होकर राजनीति में भी अपनी उपस्थिति आजमानी चाहिए। राजनीति में वैसे समाज की उपस्थिति ना होना भी वैसे समाज के लिए पिछड़ेपन का कारण है। सर, आज आप वैश्य समाज के एक स्वाभिमान यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में वैश्य समाज बारिश के मौसम में आया है। ऐसे क्या लगता है सर, राजनीतिक मंच पर वैश्य समाज को सहभागिता मिलेगी? निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम है और निश्चित रूप से भी संतोष जी ने आप सबको बताया है कि हम नीचे तक के लोगों को उठाकर एक मंच देना चाहते हैं। गाँव की गरीब शोषित वंचित को उनका अधिकार दिखाना चाहते हैं। जो वैश्य समाज में पिछड़े हैं उनको एक मंच पर लाकर उनको मजबूत करने का एक संकल्प है। आज महात्मा गांधी की जयंती पर ये अद्भुत कार्यक्रम है और ये जो जन सहभागिता हम सबको दिखी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव की ओर हमको इंगित भी कर रही है कि और एकता में एक शक्ति होती है और उस शक्ति के एहसास पर हम सब समाज को लेकर आगे बढ़ने का। भामाशाह ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके महाराणा प्रताप के लिए अपनी आहुति दी है, तो वैश्य समाज भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। सर, आप जिले के अम्बेडकर नगर जिले के एक जिम्मेदार राजनेता के तौर पे आपको जाना जाता है और आप वैश्य समाज के सम्मेलन में आए हैं और आपने भामाशाह के त्याग का भी वर्णन किया है, तो क्या सर लगता है कि इस त्याग को जो वर्तमान में संतोष जी भामाशाह बन रहे हैं, क्या लगता है कि सर वैश्य समाज को कोई मंच मिलेगा? निश्चित रूप से हमने अपने 5-7 नगर पालिकाओं पंचायत में भी 4 वैश्य समाज के ही लोगों को टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन है और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब एक नया वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर इस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प संतोष जी का भी है, मेरा भी है और सबका ये संकल्प है कि भारत विश्वगुरु बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की स्वाभिमान रैली निकाली गई है जबकि वह समाज के ही महात्मा गांधी जी की आज जन्मदिन है, ऐसे में क्या जरूरत पड़ी थी वह समाज को कि इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी रैली जरूरत पड़ गई? ये आंदोलन नहीं है, ये हमारे समाज को एक संदेश देने का हम लोग काम कर रहे हैं। सभी उपवर्ग एक मंच में आए, हम लोग रोटी बेटी का संबंध स्थापित करें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों। सभी जो उपवर्ग हैं हमारे 373 उपवर्ग एक दूसरे के वहाँ रोटी बेटी का संबंध स्थापित करें और जो हमारे अंतिम व्यक्ति हैं, मतलब गांव में जो 1-2 घर हैं उनको हम लोग संगठित करके एक मंच पे लाएं ताकि हमारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो। संतोष जी, लगभग आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अभी भी वह समाज की बहुत सी ऐसी पीड़ा है जो अभी राजनीतिक मंच पर नहीं आ पाई है जी, क्या आपके माध्यम से वह वह समाज की उस पीड़ा को राजनीतिक मंच पर लाया जा सकता है? जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं सहमत हूँ। हम लोगों की बहुत ऐसी पीड़ाएं हैं जो कि नहीं पहुँच पाती, लोग नहीं कर पाते उसको, लोग व्यक्त नहीं कर पाते। हमारा समाज संकोची है, वो उचित मंच पर अपने बात को नहीं रख पाता, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं कि अपने उचित मंच पर उस बात को रखें। जैसे सर, आज पूरी तरह बारिश का मौसम है, खचाखच आपके है, हजारों की संख्या में वैश्य समाज के लोग जुड़े हैं, वैश्य समाज के लोग इस बारिश में अपना दुकान बंद करके अगर आंदोलन में जुड़ना चाह रहे हैं तो क्या ये मांगते हैं कि वैश्य समाज के अंदर जागरूकता पैदा हुई है? ये आंदोलन नहीं है मित्र, ये एक जागरूकता है और समाज में संगठित होने का संदेश है कि हम लोग एक हैं और पूज्य बापू जी के जयंती को मनाने के लिए, उसको जश्न के रूप में मनाने के लिए हम सभी लोग अपना काम धाम छोड़ के एक मंच पे एक जगह इकट्ठा हुए हैं। हमारा समाज
हमारा हम लोग अपने समाज के आभारी हैं कि उन्होंने अमूल्य समय दे के इस ऐसे मौसम में हम लोगों के साथ खड़ा होने का काम किया है, जिससे हमको ऊर्जा मिलेगी, हमको संबल मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओमकार जी, आपको आपके बारे में कहा जाता है कि आपने पत्थर पर दूध खिलाया है, किछौछा जैसे क्षेत्र पर आपने जीत के वह समाज का मान सम्मान को बढ़ाया है, सर ऐसे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी बरसात में अगर वह समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं तो मीडिया ने भी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। इस बरसात के मौसम में आप मुझसे बाइट ले रहे हैं, इसलिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि जो मैंने दूध पत्थर पे खिलाया है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का, विशेष तौर पर माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने टिकट दिया मुझे वहाँ से, और इनका तो विशेष तौर पर योगदान रहा है। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो विजन लेके हम लोग जमीन पर उतरे थे, उसका नतीजा था कि हम लोग पत्थर पे दूध खिला लिए। सर, आप बैस समाज का प्रतिनिधि कर रहे हैं अम्बेडकर नगर से, ऐसे में बैस समाज की तमाम पीड़ाएं हैं, तमाम समस्याएं हैं, उसको लिए सर एक ओमकार गुप्ता जो नगर पंचायत की छौछा का चेयरमैन के रूप में, आप उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? देखिए, बिल्कुल मेरे पास जो भी समस्या आता है, अगर कोई भी समस्या, किसी भी समाज की समस्या आता है और मैं उसे अगर नहीं भी जानता हूँ, अगर फ़ोन करता कि मेरी ये समस्या है, सम्मनपुर थाने में होती है, तो सबसे पहले उसका काम करने का काम करता हूँ मैं। जात और वेद भाव नहीं, लेकिन वह समाज एकता हो रहा है, क्योंकि हमारे लोग हमेशा एक दूसरे के बिजनेस में व्यस्त रहते थे, लेकिन राजनीतिक भागीदारी में हमारा समाज आगे आ गया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई का पात्र दूंगा। आज ऐसा मजबूत स्थिति में मैं सभी लोगों को एक आखिरी सवाल है कि सर, वह समाज की राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है, ऐसे में वह समाज के ओमकार गुप्ता ने अगर किछौछा जैसे धरती के चेयरमैन हो सकते हैं, तो वह समाज के लिए कोई संदेश? बिल्कुल, मैं चाहूँगा, मैं सब एक निवेदन करूँगा वह समाज से, क्योंकि मैं वह समाज से आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि घर में अगर 5 लड़के हैं तो एक लड़का जरूर राजनीति में रहे, और राजनीति में रहने की वजह से आप सामाजिक स्थिति दोनों।